हाय फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो हमारे यहाँ शोरूम में भी देखो टेक्नो मोबाइल का जो है ढेर लग चुका है, क्योंकि ये लो बजट में काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल रहा है और मार्केट में बहुत ही आजकल जो है चलने लगा है, क्योंकि सस्ती रेंज में ड्यूल कैमरा और सब कुछ जो इस मोबाइल के अंदर मिलने लगा है। आप देख सकते हो हमारे यहाँ स्टॉक भी जो है इतना सारा अवेलेबल है। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन्स को ज़रूर दबाइए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के हमारे साथ जुड़ जाइए, डेली वीडियो देखिए। हम डेली जो है मोबाइल एक्सेसरीज और काफ़ी सारी चीज़ें जो है गिव अवे यानी कि फ्री जो है अपने सब्सक्राइबर को देंगे। अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना मत भूलिए। यूज़र मैनुअल से और चार्जर जो है 1.2 एम्पीयर का माइक्रो यूएसबी पिन के साथ में दिया जाता है। इसमें हीलियो पी 2 GHz का जो प्रोसेसर है, 5.5 इंच की स्क्रीन है, साथ में 13+0.3 एम्पीयर का जो है बैक साइड में जो है ड्यूल कैमरा जो है दिया हुआ है। अब देख सकते हो बैक साइड में भी जो है आपको ड्यूल कैमरा जो है मिल रहा है। मतलब 6-7 हज़ार के बजट में ये फ़ोन में मतलब ये मिलना बहुत ही कम मिलता है, जो काफ़ी सारे मोबाइल्स में इसमें दिया हुआ है। फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का है, एंड्रॉयड 8.1 ओरियो बेस के साथ आता है। और इसमें जो है हमने जो पहले एज 2 दिखाया उसके मुकाबले जो है 3 GB रैम आती है और 32 GB जो है इंटरनल स्टोरेज के साथ में आती है। इसमें आप देख सकते हो पिक्चर्स क्वालिटी वगैरह जो है, मतलब ये कैमरा में तो अभी कैप्चर नहीं हो रही है। दरअसल हम जो है इसकी पूरी जो है कैमरा टेस्ट, चलिए बात करते हैं कैमरा टेस्ट की। जो ये जो है पहला सेल्फी है, पीछे जो है काफ़ी सारी धूप है, फिर भी आप देख सकते हो जो फेस वगैरह उसको एकदम क्लियरली जो आपको दिखाता है। आप देख सकते हो इसकी HD क्वालिटी वगैरह, पीछे चाहे कितनी भी धूप हो फिर भी ये जो है फेस को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है कवर्ड करता है। आप देख सकते हो इसको जो परफॉर्मेंस वगैरह कैमरा की काफ़ी अच्छी है। अभी आप देख सकते हो एक नॉर्मल फोटोग्राफ से अभी हमने इसको जो एकदम जूम कर दिया है, फिर भी आप इसको देख सकते हो ये जूम में इसकी क्वालिटीज़ वगैरह जो आप देख सकते हो। ये सेल्फी वगैरह से फ्रंट कैमरे से ली हुई, आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी वगैरह जो है काफ़ी अच्छी जो है आपको बेहतर जो है परफॉर्म करती है। ये हमने कुछ एक सेल्फी टेस्ट वगैरह जो है आपको दिखा है, इसमें भी आप जो क्वालिटीज़ वगैरह है आप देख सकते हो। देखिए आप इसमें भी क्वालिटीज़ वगैरह जो है आप देख सकते हो, कलर वगैरह है, फेस को कितना मतलब क्लियरली और कितना HD जो है एकदम बढ़िया तरीके से जो है दिखाता है। अगर कोई भी फ्लावर्स हो या किसी भी कलर का हो तो आप उस सारे कलर जो एक्यूरेट मतलब जो है दिखाने की कोशिश करता है। ये नॉर्मल फोटोग्राफ से अभी हमने इसको जो है काफ़ी जूम कर दिया, आप देखिए इसकी पिक्चर्स क्वालिटी वगैरह। ये भी एक नॉर्मल फ्लावर है प्याज का, आप देख सकते हो अभी इसमें भी हमने जो है एकदम जूम कर दिया, तो आप इसकी भी जो है क्वालिटीज़ वगैरह जो इसमें देख सकते हो। काफ़ी अच्छा जो ये कैमरा जो है पिक्चर्स क्वालिटी वगैरह में जो है परफॉर्म करता है। अभी आप देख रहे हो 13+0.3 मेगापिक्सल जो बैक साइड रियर जो कैमरा दिया हुआ है, रियर उसी कैमरे से ये वीडियो लिया हुआ है। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी वगैरह। हाय फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो फ्रंट कैमरे से जो ये वीडियो ली गई है, आप देख सकते हो इसकी रिजल्ट्स क्वालिटी जो है, सिर्फ 8 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट में कैमरा लगा हुआ है, फिर भी आप देख सकते हो इसका रिजल्ट। अब जो देख सकते हो, फिर चलिए हम आउटडोर फोटोग्राफी वगैरह की जो है बात करते हैं। आप उसमें देख सकते हो क्वालिटीज वगैरह है जो भी है इसका, मतलब परफॉर्मेंस इसकी जो है आप देख सकते हो काफी अच्छी और काफी बेटर जो है आपको परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलेगी।
इसका ऑटो फोकस आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा जो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है परफॉर्म करता है। मतलब किसी भी DSLR कैमरा के सामने अगर देखा जाए तो ऑटो फोकस इसका जो है अगर हम बोल सकते हैं फास्ट है, तो ऑटो फोकस भी आप देख सकते हो कितना क्लियरली, मतलब कितना फटाक से, मतलब जो किसी भी चीज़ को जो है फोकस कर लेता है, आप देख सकते हो। इसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है, हम इसको बोल सकते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी। कलर भी सारे जो एक्यूरेट दिखाते हैं, जैसा फोटोग्राफ में दिखाता है वैसे ही सेम क्वालिटी जो हमें वीडियो में देखने को मिलती है। इसकी ऑटो फोकसिंग मतलब स्पीड जो है ऑटो फोकस की मतलब काफ़ी अच्छी है, अब देख सकते हो। अगर सब्जेक्ट चेंज होता है या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जाते तो तुरंत जो है उसको जो है फोकस कर लेता है, आप देख सकते हो। और कितना नज़दीक से भी अगर जो आप वीडियो अगर लेते हो तो भी उसकी क्वालिटीज़ वगैरह जो है आपको दिखाता है, तो आप ये सारी जो है टेस्ट देख सकते हो। अभी एक जूम टेस्ट हमने लगाया है, आप जूम भी देख सकते हो इसका, काफ़ी अच्छा है ये। काफ़ी धूप में मतलब ये जो है पड़ा हुआ है, घास का चारा है, मतलब काफ़ी धूप में लिया हुआ है, और ये है भी पीले कलर का, तो थोड़ा सा मतलब उधर कलर जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी जूम टेस्ट भी जो है इसमें दिखती है।